अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ आज बायो का पेपर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप गैस पेपर है 9th क्लास वालों का, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये बायो का पेपर जो है, बायोलॉजी का पेपर 9th क्लास का, वो तीन हिस्सों में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए या पार्ट वन में जो पार्ट ए है, सेक्शन ए है, उसमें MCQs होंगे, और सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, सेक्शन सी में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो ये MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs से मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, ये आप लोग MCQs देख सकते हैं। ठीक है, इसमें 8 MCQs हैं, आप लोग इनको MCQs को देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 MCQs हैं। ठीक है, तो टोटल 45 MCQs मैंने दिए हैं बोर्ड के पेपर में। इस पेपर में टोटल 45 MCQs हैं, बायोलॉजी की टीचर ने बनाया है। बोर्ड के पेपर में वैसे 30 नंबर के MCQs होंगे। ठीक है, ये देखें आप लोग, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, जैसे कि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, लेकिन ये गैस पेपर बायो का किसी बायोलॉजी टीचर ने बनाया है, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर MCQs, ये 21 से स्टार्ट है, 31 तक इस पेज में। टोटल 45 MCQs हैं, ये नेक्स्ट MCQs से आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई MCQs कौन सा है और कहाँ से आया है। ठीक है, जैसे नर्व टिश्यूज आर कंपोज ऑफ, ठीक है, न्यूरॉन्स, रिसेप्टर्स, नेफ्रॉन्स या सेल बॉडीज। ठीक है, न्यूरॉन्स ही होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो किडनी टिश्यूज होते हैं। अच्छा, थोड़ी बहुत मुझे भी MCQs आते हैं। ठीक है, ये 32 से लेकर 43 तक MCQs हैं बायो के। अच्छा, ये MCQs हैं 45, दो MCQs यहाँ पे हैं। ठीक है, अच्छा, सेक्शन बी जो है इसका, ये हिस्सा सेक्शन बी है। ठीक है, इसमें से अटेम्प्ट 26 क्वेश्चंस करने होते हैं, बोर्ड के पेपर के मुताबिक बनाया गया है ये, मॉडल पेपर के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन टू फ्लो चार्ट बनाना है, क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन फाइव, क्वेश्चन सिक्स, क्वेश्चन सेवन, क्वेश्चन एट, क्वेश्चन नाइन, क्वेश्चन टेन। ये क्वेश्चन टेन है सेक्शन बी में से, 6 क्वेश्चंस करने होंगे आप लोगों को बोर्ड के पेपर में। ये तो आप लोग इसकी तैयारी करेंगे, आप लोगों का बोर्ड का पेपर इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा बहुत। ये सेक्शन सी है, जिसमें 2 क्वेश्चंस करने होते हैं आप लोगों को, ज़्यादातर डायग्राम बनानी होती है वगैरह वगैरह, डायग्राम पे फोकस करें तो बेहतर है। सेक्शन सी में ज़्यादातर डायग्राम बनानी होती है, अगर आप पूरा डायग्राम जो है वो सही है, मतलब आपकी रैंक सही है, तो आप लोग टेंशन नहीं लें। ह्यूमन नट्स की डायग्राम है जो माइटोसिस डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड यहाँ पे। एक्सप्लेन बायोलॉजिकल मेथड, डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ स्टोमिक एंड इंटेस्टाइन, डिस्क्राइब एरोबिक रेस्पिरेशन इन लिविंग सिस्टम। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का पेपर था, गैस पेपर, मैं दोबारा एक मरतबा दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 से 8 तक, क्वेश्चन 9 से 20 तक, क्वेश्चन 21 से 35 MCQs, 31 तक, 32 से 43 MCQs, 45 MCQs है तकरीबन, और सेक्शन बी और सेक्शन सी है। ठीक है, ये बायो का पेपर था, मैंने आप लोगों से शेयर किया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।